गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू एलजेब्रा एंड इंटीजर्स। ठीक है, मैथ्स में आज हम लोग जानेंगे कि एलजेब्रा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उससे पहले एलजेब्रा की एक डिफिनेशन है, एलजेब्रा होता क्या है। एलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्या है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। एंड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ सिम्बल्स एंड नंबर, इसमें क्या है, ये एक तरह की ऐसी भाषा है जिसमें क्या होते हैं, सिम्बल्स और नंबर होते हैं। ठीक है, फिर वेरिएबल्स क्या है, वन सिम्बल्स ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन एलजेब्रा इज अ वेरिएबल। ठीक है, एक सिम्बल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर्स को, वो भी किस में, एलजेब्रा में, वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में जैसे हमारे पास एग्जांपल है 2+a, ए हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, मतलब नंबर 5 को शो करने के लिए ए हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। नेक्स्ट क्या है हमारा टर्म क्या होता है, वेन अ प्लस साइन और माइनस साइन सेपरेट एंड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो प्लस साइन और माइनस साइन में सेपरेट क्या करता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करता है। जैसे देखिए, इनटू पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ टर्म। तो इसका जो पार्ट है वो हर एक पार्ट हमारा क्या कहलाता है, टर्म। जैसे हमारे पास है एग्जांपल 2+n में 2 पहला टर्म हुआ और n हमारा क्या हुआ, दूसरा टर्म हुआ। अगर हमारे पास एग्जांपल होगा x+y+z, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकेंड टर्म होगा और ये इसका थर्ड टर्म होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में, मतलब तीनों के बीच में हमारा क्या है, प्लस का सिंबल लगा हुआ है। तो प्लस का सिंबल हो चाहे माइनस का सिंबल हो, जो दोनों सेपरेट में हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को शो करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, टर्म कहलाता है। फिर हमारे जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड इज बिनोमियल एंड थर्ड इज ट्रिनोमियल। वॉट इज मोनोमियल, एंड एक्सप्रेशन विथ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, यानी जो एक फर्स्ट टर्म को ही शो करता है, ठीक है, जो हमारा एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास में कोई भी सिंबल नहीं है, ए भी हम लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, मोनोमियल, यानी जो एक एक्सप्रेशन को शो कर रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोमियल। ठीक है, वहाँ पे वो सिंगल ही होगा, या 2a होगा या xy होगा, जो भी होगा वो हमारा सिंगल होगा, कोई भी सिंबल बीच में नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, बिनोमियल, एन एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म इज कॉल्ड अ बिनोमियल एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या है, 2 टर्म होता है साथ में, वही हमारा क्या कहलाता है, बिनोमियल। ठीक है, बिनोमियल में क्या है, 2 टर्म की बात करें तो उसके साथ में क्या होगा, सिंबल होगा x+y, तो ये क्या है हमारा, बिनोमियल है। फिर 2x+y, तो ये भी हमारा क्या है, बिनोमियल है, क्योंकि कितने टर्म को शो कर रहा है, 2 टर्म को शो कर रहा है। थर्ड क्या है हमारा, ट्रिनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म इज कॉल्ड ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कितने टर्म को शो करता है, 3 टर्म को, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। यानी देखिए, जैसे ये है ना हमारा, मैंने अभी बताया था x+y+z, तो ये हमारे क्या हो गए, ट्रिनोमियल, क्योंकि कितने एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, 3rd। हमारे पास ये भी हो सकता है 2a+2b-2c, क्योंकि वो चाहे प्लस सिंबल हो चाहे माइनस सिंबल हो, लेकिन कितने टर्म को शो कर रहा है, 3 टर्म को, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एलजेब्रिक के बाद। अब हमें क्या समझना है, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर इज एनी नंबर फ्रॉम द सेट -4, -3, -2, -1 एंड 1, 2, 3, वेयर मींस कंटिन्यू विदाउट एंड। इंटीजर्स में कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो निगेटिव भी हो सकते हैं और आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, बट 0 इज़ नाइदर निगेटिव और नॉर पॉजिटिव।
तो जीरो क्या है, ना वो निगेटिव में आता है और ना ही वो पॉजिटिव में आता है। तो इंटीजर्स में क्या है, जैसे आपके पास इंटीजर्स के लिए देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, ठीक है। तो इंटीजर्स में देखिए जीरो से लेके मैंने सिक्स तक नंबर्स शो किए हैं जो माइनस में है, और जीरो टू सिक्स प्लस में है। तो ये जो माइनस है ये इंटीजर्स लेस देन जीरो है, ये क्या है, लेस देन जीरो है और निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये इंटीजर ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ा है ना, क्योंकि प्लस साइन में है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो ये क्या है, इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेस देन जीरो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो ये जीरो होता है वो ना ही आपका निगेटिव में आता है और ना ही आपके पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन में जाता है और वो क्या है, आपके प्लस साइन में जाता है। तो ये हो गया इंटीजर्स। अब आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको देखिए, जैसे आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसको सॉल्व करना है। तो जैसे इसमें दे दिया हो a का मान 3 है, ठीक, और b है आपका 2, और आपके पास एक्सप्रेशन दे दिया हो 2a प्लस बी, ठीक है, 2a प्लस बी दिया है। तो इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, a का मान और दोनों का वैल्यू भी दी हुई है। तब क्या करेंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, 2 3 जा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका क्या, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना वैल्यू रख के, ठीक है। अगर आपको आपके पास क्वेश्चन दिया हो कि एक्सप्रेशन दिया है इस तरीके 7a माइनस 3b, ये एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें से वेरिएबल्स अलग करना है, नंबर्स अलग करने हैं और उसके साइन अलग करने हैं। तो आप कैसे इसको अलग करेंगे, देखिए अगर आपको वेरिएबल अलग करना है, नंबर और ऑपरेशंस, कि कौन सा ऑपरेशन है, 7a माइनस 3b है, वेरिएबल इसमें क्या है, a और b, a b इसके वेरिएबल्स है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे a और b। और अगर आपसे पूछा है नंबर्स, तो नंबर्स क्या है आपका, 7 और 3, नंबर्स क्या है, 7 और 3। तो ऑपरेशंस क्या है आपके, माइनस, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है इसमें, माइनस का ऑपरेशन हो रहा है। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या, तो आपके पास में इंटीजर्स में नंबर लाइन बनाने के लिए आएगा, तो उसमें वैल्यू दी होगी कि माइनस सिक्स से माइनस या प्लस सिक्स तक बनानी है जितनी भी है। तो उस इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इस इंटीजर्स की नंबर लाइन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरह का नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन को हम कैसे शो करते हैं ये चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि आपका अपोजिट इंटीजर क्या होता है, तो जैसे आपके पास वैल्यू दी हुई है माइनस फोर है, इस माइनस फोर का अपोजिट इंटीजर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर माइनस फोर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, प्लस फोर हो जाएगा। ये वो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो आपके बुक में इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा और उसे सॉल्व कीजिएगा। और पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको सारा सॉल्यूशन मैंने भेजा है, ठीक है, पीडीएफ के द्वारा। तो आपको उसी तरीके उसे समझना है और सॉल्व करना है, ओके।